दोस्तों हो गया था समय निकलने का, बट फिर से स्नोफॉल शुरू हो गई है। कल रात को तो स्नोफॉल नहीं हुई थी, रुक रुक के हो रही थी। इस वक्त स्नोफॉल काफ़ी तेज़ फिर से होने लगी है। कैमरे पे भी स्नो आ रहा है, तो वाइटिंग आ रही है। काफ़ी ज़बरदस्त वेदर हो रहा है। मैं बैक कैमरे से आपको दिखा रहा हूँ, हर हर महादेव। मैं अपने होटल के छत पर हूँ और बैक कैमरे से कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। स्नोफॉल काफ़ी तगड़ा वाला हो रहा है, हमें आगे भी जाना है तो हमें तो निकलना तो पड़ेगा। देखिए कैसे क्या होता है, जैसा होता है मैं आपको अपडेट करूंगा और आपको लेके चलूंगा नीचे तक। एंड आज का प्रोग्राम हमारा है मैं चोपता में स्टे करने का, क्योंकि हमें तुंगनाथ के भी दर्शन करने हैं। तो अब इस वीडियो में देखोगे केदारनाथ टू चोपता का यात्रा। तो चलिए इस वीडियो से जुड़े रहो। जय श्री केदार। दोस्तों केदारनाथ की यात्रा यहाँ पे समाप्त हो रही है, अब केदारनाथ से हम लोग निकल रहे हैं चोपता के लिए। तो चलिए नीचे ट्रैक को नीचे चलते हैं। जय श्री केदार। लाइन स्नोफॉल में भी देखिए कितनी लंबी लगी हुई है, एकदम नीचे तक है। मैं जुआ जूम करके दिखाता हूँ, आप देखो एकदम नीचे तक लाइन लगी हुई है। भक्त एकदम लाइन में लगे पड़े हैं। बस बाबा केदार की महिमा है कि भक्त इतने स्नोफॉल में भी लाइन में लगे हुए हैं दर्शन के लिए उनके। और हमारा ट्रैक चालू है नीचे की तरफ। स्नोफॉल कभी धीरा कभी तेज होता जा रहा है। कैंप में रहने वालों का देखो हालत, स्नोफॉल में और बारिश में तो कैंप में बिल्कुल रहना नहीं है। इधर बेस कैंप है ये, यहाँ पे 500-600 रुपये पर पर्सन मिल तो जाता है कैंप, बट हालात देखो आप, मतलब आप जम जाओगे, कुल्फी निकलोगे अंदर से। इधर से आदमी डालो, अंदर से कुल्फी निकलेगा। फ्रेंड्स कुछ कैंप के हालात भी देख लो, पूरे गिर गए हैं कैंप। अंदर सोने वालों का क्या हुआ होगा यार, इतनी स्नोफॉल और बारिश में कैंप भी नहीं बर्दाश्त कर पाते। दोस्तों यहाँ पे घोड़ा का पड़ाव है, बरसात में और स्नोफॉल में घोड़ा से तो बिल्कुल ना जाएं, वरना हालात बहुत ही बुरे हो सकते हैं आपके। रास्ते में बहुत से लोग गिरते हुए मिलेंगे, आप किसी से पूछ सकते हैं। और नॉर्मल डेज में भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग एक बार आए थे और दोबारा घोड़े के नाम से डर लगता है। दोस्तों 12:30 बज रहे हैं और हम लोग आ चुके हैं अपनी गाड़ी यानी सोन प्रयाग, जहाँ पे पार्किंग की थी मैंने। रास्ते में छोड़ दिया, काफ़ी ट्रैफिक थी और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी। हम लोग गाड़ी में आ गए हैं इस वक्त और रास्ते में तो कोई सूट ही नहीं कर पाया, क्योंकि बारिश ही इतनी ज़्यादा हो रही है। पूरे कपड़े पूरे जूते हम लोग खुद गीले पड़े हुए हैं। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे चोपता, तो देखिए वैसे लेट तो काफ़ी हो रहा है, बारिश भी काफ़ी हो रही है, तो देखते हैं कहाँ स्टे कर सकते हैं। जैसे होता है मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा, बने रहें आप। चोपता वाला रास्ता काफ़ी हसीन है और काफ़ी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे व्यू देखने को मिल रहे हैं। थोड़े थोड़े देर पे गाड़ियाँ रुकने का मन कर रहा है, तो मैं गाड़ी रोक के अब खुद भी व्यू देख रहा हूं और आपको भी दिखा रहा हूं। चलिए व्यू को देखते हैं। एंड आप इस व्यू को देखो, इस वक्त मैं आ चुका हूँ दी बंकर हाउस, जो चोपता वाले रास्ते पड़ता है। काफ़ी प्यारा ये रेस्टोरेंट है, इनका होटल भी है। हम लोग लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ पे खाया था, बहुत ही अच्छा टेस्ट था इनका। एंड मतलब देखने से काफ़ी अच्छा भी लगता है, मैं आपको पूरी वीडियो में बता दूंगा। ऐसा व्यू देखने को मिलता है। एंड सिटिंग स्पेस देखिए आप कैसा है, बॉक्सिंग के लिए लगा हुआ है, झूला लगा हुआ है, यहाँ बैठ के आप खा पी सकते हो। एक यहाँ झूला लगा हुआ है, बॉनफायर है एंड म्यूजिक सिस्टम है, और क्या चाहिए यार। टाइम पास करना हो, जिम वूम करना हो तो वो भी कर लो, यहाँ पे सब कुछ रखा हुआ है, अपना सेट करो, जिम करो। दी बंकर हाउस कैफे के अंदर का कुछ डेकोरेशन है, नज़ारा इस प्रकार है, काफ़ी प्यारा डेकोरेशन है अंदर का। ये हमारा कमरा है, दी बंकर हाउस में ही हमने कमरा लिया है, 3 बेड, काफ़ी अच्छा स्पेस भी है यहाँ पे, और बाथरूम भी काफ़ी अच्छा है, 24/7, गीज़र भी है। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है इस कमरे का। रूम के बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। वर्थफुल प्लेस है ना, काफ़ी अच्छा। ये कमरा 1500 रुपीज़ का पड़ा है, काफ़ी रिजनेबल है, क्योंकि इस रूट पे तो आपको महंगे महंगे मिलते हैं, और ये कमरा मिल गया कैंप भी इससे महंगा मिलता है। एंड यहाँ का खाना भी काफ़ी अच्छा है, मोमोज अभी हमने ट्राई किया। एंड इनका बगल में और भी होटल्स हैं जिसके रेट आपको 4000-5000 प्लस GST है, ये 1500 प्लस GST है, बट काफ़ी अच्छा रूम है एंड गीज़र भी है, तो ओवरऑल कैंप में रहने से तो ये अच्छा है। और चोपता वाला इसका व्यू भी अच्छा है, आपको व्यू तो मैंने अभी दिखाया ही है, तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप इस रूट पर आते हो
तो यहाँ पे स्टे करो और सुबह मॉर्निंग में उठो, यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर तुंगनाथ टेम्पल है, आप वहाँ जाओ दर्शन करो एंड अपने बद्रीनाथ के लिए चले जाओ, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको कैंप पे रहना है तो वो भी ठीक है, आपकी मर्जी है, बट कमरे में रहना है तो रिजनेबल है, काफ़ी अच्छा है। कैंप में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है आपको, बट कमरा तो कमरा ही होता है यार, कैंप कैंप है, तो अगर कैंप में रहना है तो कैंप में रहो, कमरे में रहना है कमरे में रहो, मैंने कमरे की रिव्यू कर दी है। एंड अगर कैंप में रहने का मिला तो मैं कैंप का भी कर दूंगा आगे, कल का देखते हैं। सुबह के 8 बज रहे हैं और हम लोग आ गए दिबंकर हाउस रेस्टोरेंट, चलिए अंदर से आपको पूरा रेस्टोरेंट में दिखाता हूँ। अंदर से रेस्टोरेंट काफ़ी प्यारा है, आपको खाना वाना खाना हो या सुबह का ब्रेकफास्ट, आप अंदर का सिटिंग अरेंजमेंट देखिए, नीचे बैठ के ही खाने का सिस्टम है, बिल्कुल ट्रेडिशनल और काफ़ी अच्छा सिस्टम है ये। आपको खेलने के लिए भी कुछ मिल जाएगा, आप खेल भी सकते हैं और यहाँ पे खा भी सकते हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। हम लोग आ चुके हैं तुंगनाथ टेम्पल के दरवाजे के पास और हम लोग तुंगनाथ यात्रा करने वाले हैं एंड काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, फिर से रेनकोट पहन लिया है, बारिश ने तो परेशान कर रखा है। चलिए देखते हैं, ऊपर चलते हैं और रास्ते की जानकारी, पूरा दर्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, चलिए आगे ऊपर को चलते हैं। दोस्तों ये रहा एंट्री गेट और हम लोग अंदर चल रहे हैं, बारिश देखिए बहुत तेज़ हो रही है, फॉग बहुत तेज़ है, हाथ बहुत कांप रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, चलिए चलते हैं। जय तुंगनाथ बाबा। तेज़ बारिश, प्यारे से फूल और अच्छा सा ट्रैक, काफ़ी हसीन नज़ारा है। इस वक्त हम लोग तुंगनाथ ट्रैक पे ही हैं, काफ़ी प्यारा व्यू है और पीछे आप फ्लावर देख रहे हैं, ऐसे बहुत से फ्लावर्स हैं, इसी कलर का रेनकोट भी है, मैचिंग कर रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। चलिए तुंगनाथ चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या कंडीशन है और आपको भी दर्शन करवाते हैं तुंगनाथ के। ओम नमः शिवाय। दोस्तों तुंगनाथ में ही पहले विष्णु के दर्शन हो गए हैं, लास्ट टाइम कोई विष्णु ही था इस बार, अभी तो है, आगे चलते हैं देखते हैं और विष्णु मिलता है या नहीं। स्नोफॉल बहुत तेज़ हो रही है और यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे आप आइए, मैगी वैगी खाइए, आपको और भी चीज़ें ज़रूरत की मिल जाएंगी, आराम से खाओ और दर्शन करो। बारिश लगातार हो रही है, हम लोग मंदिर के पास आ चुके हैं, चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। आवाज़ खड़ा रही, बहुत ठंडी यार। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं तुंगनाथ टेम्पल, हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, काफ़ी अच्छा दर्शन रहा, पहले दर्शन गर्दी से होते थे, इस वक्त वो बंद है, बाहर आप दरवाज़ा है वहीं से आप दर्शन कर सकते हो, प्रसाद वहीं पर टेस्ट करा दो और बाहर दर्शन करके आ जाओ। स्नोफॉल काफ़ी तेज़ हो रही है और ठंड भी काफ़ी तेज़ है, हमें बहुत अच्छा दर्शन प्राप्त हुआ। मैं मंदिर का व्यू आपको आगे की वीडियोज़ में दिखा दूंगा, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। जय महादेव की। हम लोग चंद्रशिला नहीं जा रहे हैं क्योंकि 3:15 हो चुका है और काफ़ी लेट हो जाएगा, हमें नीचे भी जाना है और स्नोफॉल काफ़ी तेज़ हो रही है, तो बेहतर होगा कि चंद्रशिला ना जाना, तो हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। अगर आप तुंगनाथ में स्टे करना चाहते हो तो यहाँ पे आप सूर्या होटल में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। इसे बुग्याल कहते हैं। हम लोग जब नीचे से आ रहे थे तो ये काफ़ी फॉगी था, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर ऊपर से नीचे आने पे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग तुंगनाथ से निकले और आ गए हैं चमोली, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी तो आगे जाना हम लोगों ने बेहतर नहीं समझा, लैंडस्लाइड भी काफ़ी ज़्यादा होती है एंड रिस्की होगा, अब बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, तो हम लोग चमोली में जिस होटल में रुके हैं मैं उसका आपको कमरे का टूर दे देता हूँ, और कमरे के बारे में सारा डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। काफ़ी अच्छा होटल है एंड आगे जाने पे वैसे भी नेट की इशू पर आ रही है, यहाँ नेटवर्क भी अच्छा है और वाईफाई भी है, इसलिए मैं कमरे को टूर कराता हूँ आपको। अब कमरा ओपन करो तो 3 बेड है, एक सिंगल बेड ये, डबल बेड ये, चार्जिंग के सॉकेट इधर भी हैं, उधर ट्रे रखा हुआ है, एक अच्छी सी टीवी है और ये सब हमारे कुछ लगेज वगैरह सब पड़े हुए हैं, अच्छा सा मिरर भी है और वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन है, गीज़र 24/7 है। आपको वैसे इस टूर पे निकलो ना तो पहाड़ी क्षेत्रों में नेटवर्क तो इश्यू फंसता ही है, हम लोग लाइक कल रुके थे तो कल बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था चोपटा में एंड नेट ही नहीं चल रहा था, क्या कॉलिंग भी नहीं लगती थी, नो नेटवर्क आ रहा था, तो नेटवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है वीडियो अपलोड करना या कुछ भी करने के लिए, तो ये होटल बेस्ट है, मैं आपको लोकेशन डाल दूंगा, आप इधर आते हो ना तो इस होटल में बिल्कुल ट्राई करो। इस होटल का प्राइस हम लोग को पड़ा है 3,300 रुपीज़, 3 बेड एंड वाईफाई भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है एंड आपको खाना रूम में प्रोवाइड हो जाएगा, सब कुछ बेहतर है
एंड आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। हम लोग केदारनाथ से निकले, फिर चोपता में रुके। चोपता में मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया बिकॉज बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। एंड तुंगनाथ गए, तुंगनाथ से हम लोग यहाँ आ गए। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टाटा।